देखिए स्टूडेंट्स, टाइम टेबल सभी स्टूडेंट्स बनाते हैं, चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मीडियम टाइप का स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट्स हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टॉपर स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करते हैं और जो मीडियम और कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम टेबल के पैटर्न को नहीं समझ पाते या टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते तो आज इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप दुनिया के किसी भी टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो करने लगेंगे। और एक बार अगर आपने टाइम टेबल को फॉलो करना सीख लिया तो टॉपर बनने से या एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि किसी का भी टाइम टेबल आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर आदमी का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। कोई सुबह में पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को पढ़ना पसंद करता है, तो कोई कभी पढ़ना पसंद करता है। तो आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है और उसके अकॉर्डिंग खुद के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे लोचा ये है स्टूडेंट्स कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो डिज़ाइन करते हैं जिसको वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन भी फॉलो करते हैं, लेकिन पांचवें दिन से फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि आप एक जैसे टाइम टेबल को बार बार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उस टाइम टेबल को फॉलो करने में आपको काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही है और एट द एंड ऑफ द डे आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना छोड़ दे रहे हैं। तो क्यों ना टाइम टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस टाइम टेबल को फॉलो करने में वाकई में आपको मज़ा आए। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि पनीर की सब्ज़ी आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है। अब अगर मैं रोज़ आपको पनीर खिलाऊं, रोज़ पनीर की सब्ज़ी दूं, तो एक दिन आप खाएंगे मन से, दो दिन खाएंगे, तीन दिन खाएंगे, चार दिन खाएंगे, मैक्सिमम पाँच दिन खाएंगे। छठे दिन आप भी ऊब जाएंगे, आप भी बोरियत महसूस करने लगेंगे और छठे दिन आप भी कहेंगे कि क्या रोज़ रोज़ पनीर की सब्ज़ी बन रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रोज़ एक ही टाइम टेबल फॉलो करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो डेली अपने लिए एक अलग टाइम टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करिए। जब भी सुबह मॉर्निंग में उठिए उसी समय एक पेज लीजिए और उस पेज पर 10 कोई इम्पॉर्टेंट काम आप लिख दीजिए कि 10 चीज़ें मुझे आज दिन भर में करनी है, और उस 10 चीज़ में हर रोज़ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को ऐड कीजिए। किसी दिन मैथ, साइंस और हिंदी, तो किसी दिन इंग्लिश, साइंस और हिंदी। इस तरीके से आप सब्जेक्ट बदल बदल के उस टाइम टेबल में, उस डेली टाइम टेबल में अलग अलग एक्टिविटीज़ ऐड करके आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे किसी दिन आपने पूरी पढ़ाई का शेड्यूल लिखा, किसी दिन आपने 3 सब्जेक्ट कोई लिखा और चौथे नंबर पे आपने लिखा कि मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए 2 किलोमीटर जाना है पैदल और अच्छे एनवायरनमेंट में जाना है। इसके अलावा पांचवें दिन आपने ये लिखा कि पढ़ाई के अलावा मुझे खेलने भी जाना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करेंगी और वाकई में आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करने में मज़ा आने लगेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक टाइम टेबल ही लंबे समय तक फॉलो करने में मज़ा नहीं आता, तो डेली अपने लिए टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। 10 मिनट का समय लगेगा जब भी आप सो के उठें, तो फ्रेश होने के बाद एक कॉपी और एक पेन लीजिए और अपने लिए कोई 10 काम दिन भर के लिए लिख दीजिए और उस काम को करते जाइए और उस काम पर टिक लगाते जाइए, ताकि आपको पता चले कि इन 10 काम में से आपने कितने काम अभी तक निपटा लिए, और ट्रैक करते करते रात तक आप उन 10 काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। टाइम टेबल को इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि आपको पढ़ने का मन करे और आप एक भी दिन, एक भी घंटा अपना मिस ना कर पाएं, क्योंकि एक घंटा मिस करने का मतलब कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं। और जब तक मैं हूँ, जब तक मोटिवेशन वाला भैया आपके साथ है, आपको कभी पीछे मैं नहीं होने दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस चीज़ का आप आज से इस्तेमाल करिए कि आपको अगर लॉन्ग टर्म टाइम टेबल को फॉलो करने में मज़ा नहीं आता तो डेली टाइम टेबल सेट करिए और इस टाइम टेबल को रोज़ाना कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोटिवेशन की राह में, आपके एग्ज़ाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी
मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।